एक सिंपल सी ईबीपी स्ट्रेटजी को यूज करके मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट को वायरल किया। उस पे 1,90,000 से ज्यादा लाइक्स आए, 9,00,000 से ज्यादा की उसकी रीच थी, 2,00,000 के आसपास उसकी एंगेजमेंट थी। और मेन बात यह यार, इसमें से 98% लोग मेरे को फॉलो नहीं करते थे। नए लोगों तक मेरी पोस्ट पहुंची जहां से मुझे अच्छे खासे फॉलोअर्स भी मिले। इस सेम ईबीपी स्ट्रेटजी को यूज करके आप भी अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो और अपने एक नए अकाउंट के ऊपर नए फॉलोअर्स को गेन कर सकते हो। और अगर आपका ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग अकाउंट है, वहां पर अपनी पोस्ट की रीच को बढ़ा के आप एक ऑडियंस बेस बिल्ड कर सकते हो और ऑर्गेनिकली अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हो और फिर बाद में आप वहां से पैसे भी कमा सकते हो। तो अगर आप भी इस स्ट्रेटजी को जानना चाहते हो तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्ड लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं यार, स्ट्रेटजी है क्या, कैसे काम करते हो और कैसे इसने मुझे बेनिफिट करा, आपको इसे किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि आपको भी रिजल्ट्स मिले। तो वो सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर YouTube चैनल वेब बीस्ट। तो यार सबसे पहले ये ईबीपी है क्या, तो ईबीपी की जो फुल फॉर्म है दैट इज इवेंट बेस्ड पोस्ट। अब ये होता क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं आपको अपना जो प्रूफ है वो दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो यार, मेरा पेज है ट्रू हिंदुइज्म, यहां पर 2,11,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं और 1,000 के आसपास यहां पे पोस्ट जो है वो मैंने डाल रखी है। यहां पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा यार मैं बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली नहीं पोस्ट डालता, बट फिर भी यहां पर मैं टाइम टू टाइम जो पोस्ट है वो डालता रहता हूं। अगर मैं आपको एक रैंडम पोस्ट उठा के दिखाऊं तो यहां पर आप देख सकते हो इस पे 1,600 के आसपास जो लाइक्स हैं वो आ रखे हैं और यहीं पे अगर आप मेरी रीच देखोगे तो 7,000 लोगों तक ये पोस्ट पहुंची और 84% लोग मुझे फॉलो करते थे। यहीं इससे अगर आप नेक्स्ट पोस्ट देखोगे तो वहां पे 1,800 लाइक हैं और यहां पर अगर आप देखोगे तो 7,000 लोगों तक ये भी रीच पहुंची है और यहां पर 86% लोग जो थे वो मुझे फॉलो करते थे जिन तक ये पोस्ट पहुंची। फिर मैंने यहां पर इवेंट बेस्ड पोस्ट करा, वो कैसे करा वो हम आगे बात करेंगे, बट उसे करने के बाद अगर आप देखोगे तो अकाउंट की जो ओवरऑल रीच थी वो बढ़ गई। यहां पर आप देखो तो 75,000 लाइक आ गए, इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट डाली उस पे 1,90,000 जो लाइक्स थे वो आ गए। और ये मेन बात है, यहाँ पर अगर हम व्यू इनसाइट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2,00,000 के आसपास यहाँ पे लाइक्स हैं, 9,00,000 के आसपास तक लोगों तक ये पहुंची और 1,95,000 यहाँ पे एंगेजमेंट आई है। और मेन बात ये है यार कि 98.9% लोग मुझे फॉलो नहीं करते थे, तो नए अकाउंटों तक ये पोस्ट पहुंची और ये पॉसिबल हुआ यार इवेंट बेस्ड पोस्ट करके। तो अब ये कैसे हुआ, तो यार उस टाइम पर जो है रामलला की जो फोटोज थी वो बहुत वायरल हो रही थी, तो मैंने देखा यार कि बाकी लोग भी वो पोस्ट डाल रहे हैं, तो मैंने भी अपने अकाउंट के ऊपर ये रामलला की जो पोस्ट थी ये डालनी शुरू करी। और जैसे ही मैंने ये डाली धीरे धीरे मेरी ये पोस्ट वायरल होने लग गई और जैसे बाकी लोगों को एंगेजमेंट आ रही थी तो मुझे भी उस एंगेजमेंट का बेनिफिट मिला। अब ऐसा इसलिए होता है कि इंस्टाग्राम काम करता है यार सिमिलर कंटेंट रिकमेंडेशन पर। फॉर एग्जांपल अगर आप एजाज खान की वीडियोस देखना शुरू करोगे तो आपको एजाज खान के रिलेटेड जो कंटेंट है वो रिकमेंड होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कैरी मिनाटी के रिलेटेड वीडियोस देखना शुरू करोगे तो आपको उसके रिलेटेड कंटेंट आने लग जाएगा। तो इंस्टाग्राम इस एल्गोरिथम के ऊपर काम करता है। तो वही मैंने देखा कि उस टाइम पर रामलला की जो पोस्ट थी वो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी क्योंकि वहां पे थोड़ा सा यूफोरिया भी था। तो उस चीज को यूज करके यार मैंने ये चीज एनालाइज करा कि लोगों की पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट आ रही है और जब फिर मैं भी उस पे कंटेंट डालूंगा तो इंस्टाग्राम मेरी पोस्ट को भी वहां पर सजेस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पर जाके सर्च पे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि अगर आप किसी भी एक पोस्ट के ऊपर जाते हो तो आपको उसी पोस्ट के रिलेटेड जो नेक्स्ट सजेशन है वो आती रहेंगी। और ऐसी जगह पर अगर आपकी पोस्ट आ जाती है और अगर आप सिमिलर सा कोई कॉन्टेंट डाल देते हो तो जब बाकियों को लाइक्स आएंगे, एंगेजमेंट आएगी, रीच आएगी तो आपके अकाउंट पर भी वो रीच आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब इस ईबीपी स्ट्रेटजी को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो और आपके एक नए अकाउंट को कैसे ये हेल्प करेगा ग्रो करने के अंदर, तो यार सबसे पहली बात आपको अपने अकाउंट के हिसाब से देखना है कि आपको कौन से इवेंट के अंदर जाके ये पोस्ट डालनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रोस्टिंग का कॉन्टेंट है या फिर आपका कोई कॉमेडी के रिलेटेड कॉन्टेंट है तो आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर ये एजाज खान, कैरी मिनाटी, इन सब का जो कॉन्टेंट है बहुत ज्यादा चल रहा है। तो अगर आप इसके ऊपर आज के टाइम पे कंटेंट डालते हो तो डेफिनेटली जब लोग उनकी पोस्ट को देखेंगे तो आपको भी वहां से एक एंगेजमेंट आएगी। और आने वाले टाइम में जब दिवाली आएगी तो सभी क्रिएटर्स कुर्ता पजामा पहन के दिया वया जलाने की जो फोटो है वो डालेंगे, मैं भी डालता हूं, तो वो जब आप डालोगे तो आपको जब उनकी पोस्ट में रिकमेंडेशन आएगी तो वहां से भी आपको लाइक्स आएंगे। तो आपको इस तरीके से इवेंट्स को देखना है और इवेंट्स को टारगेट करके आपको पोस्ट अपने अकाउंट के ऊपर डालनी है। वो आपको डिसाइड करना है यार कि आपका कंटेंट किस तरीके है। जैसे मेरा ये जो पेज है ट्रू हिंदुइज्म, यहां पर मैं हिंदुइज्म के रिलेटेड, भगवान के रिलेटेड फोटोज डालता हूं या पोस्ट डालता हूं, तो अगर मैं यहां पर कुछ वैसा गलत कंटेंट डालूंगा तो वो चीज को ज्यादा एंगेजमेंट नहीं मिलेगी। तो आपको अपने कंटेंट के हिसाब से देखना है यार कि आपको कौन से इवेंट को टारगेट करना है और कौन से इवेंट पर आपको किस तरीके की पोस्ट डालनी है। अब ये पोस्ट बनाने का सही तरीका क्या है तो मैं आपको वो बताता हूं। अगर आपका एक नया अकाउंट है तो मैं आपको बोलूंगा यार कि एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी मत करो। आप देखो कि लोगों ने किस तरीके का कंटेंट डाला है, आप उस कंटेंट को दोबारा से रिक्रिएट कर
कर लो और उससे आपके जो वायरल होने के चांसेस है या एंगेजमेंट आने के, आपकी पोस्ट पे रीच आने के जो चांसेस है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। मैंने अपनी खुद सोशल मीडिया की जो जर्नी है उसके अंदर रिक्रिएशन से ही बहुत अच्छी खासी एंगेजमेंट और ऑडियंस लाई है, और उस सेम मेथड को यूज करके आप भी अपने नए अकाउंट को जो है वो ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हम आपकी वीडियो कोई बनाने लग जाता, भाई बनाओ, मैंने दूसरों की वीडियो देख के बनाई, मेरी भी चल गई। अगर आप मेरी वीडियोस देखकर दोबारा से रिक्रिएट करोगे और इवेंट बेस्ड पोस्ट करोगे तो आपकी भी पोस्ट वहां पे वायरल हो जाएगी। तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग ये स्ट्रेटजी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, और जिन लोगों को नहीं पता है उनके साथ मैं आज ये चीज शेयर कर रहा हूँ कि आप भी ये काम शुरू करो ताकि आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ग्रो कर सको और फिर बाद में वहां से पैसे कमा सको। तो गाइज यही था एक सिंपल सा मेथड जिसे यूज करके मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर रीच बढ़ाई और एक न्यू ऑडियंस बेस गैदर करा। आप भी सेम स्ट्रेटजी को यूज करो, आपको भी डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कमेंट्स में ही आपका जवाब दे दूं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो और आप भी ऑनलाइन लर्निंग में इंटरेस्टेड हो यार, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।